आरुषि मोदी केस पर बनी फिल्म रहस्य को आखिरकार मुंबई हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। अब ये फिल्म जल्दी ही थिएटर्स में होगी। आपको मिलवाते हैं इस फिल्म की शाकास से। विक्टिम के आर्म्स और शोल्डर्स पे स्क्रैचेस हैं, वो डॉक्टर सचिन महाजन के नाखूनों से हुए। नाइफ के हैंडल पे डॉक्टर सचिन महाजन के फिंगरप्रिंट्स हैं। मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा, मेरी सचिन महाजन तुम जो दिखते हो वो तुम हो नहीं, जो तुम हो वो दिखते नहीं। आईबीएन 7 की न्यूज़ रूम में आज हमारे साथ हैं मनीष, साक्षी और टिस्का। स्वागत है पहले तो आपका दिल्ली में। आपने बनाई है रहस्य, एक मर्डर मिस्ट्री। आप पे पिटिशन भी किया तलवार ने कि आपने उनकी स्टोरी चूज करी है। क्या ये आरुषि तलवार से मिलती जुलती स्टोरी है? एक कोर्ट केस भी आपने फाइट करा, क्या उस स्टोरी पे आधारित है? एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ, ये एक काल्पनिक कहानी है जो मैंने अपनी कल्पना से लिखी है। ये फिक्टिशियस स्टोरी है, फिक्शनल स्टोरी है। तो इस पे लिटिगेशन जो की गई है उसका, उसके पीछे जो मकसद है वो तो वही जाने जिन्होंने लिटिगेशन की है। तो हमने 11 महीने ये लिटिगेशन लड़ी है और हम जीते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमें गो अहेड दिया है और बॉम्बे कोर्ट हाई कोर्ट की भी यही राय है फिल्म देखने के बाद कि इस फिल्म का आरुषि मर्डर केस से कोई तालमेल नहीं है। तो यही मैं कहना चाहूंगा। आप बताएं इस कास्ट के बारे में और इस रोल के बारे में। एक्चुअली आई लाइक टू गो बैक टू द क्वेश्चन जो आपने पहले पूछा था। आई एम रियली सरप्राइज दैट यू नो द तलवार्स आफ्टर द काइंड ऑफ ग्रीवियस ट्रेजेडी दैट देव गॉन थ्रू, इंस्टेड ऑफ बीइंग इन्वॉल्वड इन दैट एंड डीलिंग विद दैट, दे आर लुकिंग एट फ्रॉम जेल फाइटिंग कोर्ट केसेस एंड ट्राइंग टू डू दैट। दैट सरप्राइजेज मी एज एन एक्टर। इट ऑल्सो सरप्राइजेज मी व्हाट आर दीज काइंड ऑफ पीपल, यू नो, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर हेड स्पेस। क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त कि वो जेल से कोर्ट केस लड़ रहे हैं। एक फिल्म जो आएगी चली जाएगी, एंटरटेनमेंट के लिए बनी है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अजीब एक बात लग रही है। टू कम बैक टू द क्वेश्चन दैट यू जस्ट आस्क्ड, लेकिन जिसका उनकी कहानी है, वो कन्विक्टेड है, उनकी कहानी है, उसको आप जिस तरीके से दिखाएंगे वो तो एक परछाई जैसी बन जाएगी ना। और दे विल बी पेंटेड लाइक दैट, हूएवर सीज द फिल्म नोबडी नोज कि असली में हुआ क्या। ये वो कह रहे हैं, इसके पहले अगर वो ना कहते तो ये फिल्म आती, लोगों को एंटरटेन करती, हिट होती या फ्लॉप होती, जो भी होती वो होके चली जाती। पर ये उन्होंने सिमिलैरिटी ड्रॉ करी है, ये उन्होंने किया है। आप बोल रही हैं उनका इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन है या जो भी है। आई मीन इससे बड़े मुद्दे हैं फिल्मों से ज्यादा उनकी जिंदगी में जो उनको डील करने चाहिए। सो यू नो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। एंड टू कम बैक टू द फैक्ट दैट इट्स, ये कहानी एक बहुत ही पेचीदा कहानी है। अल्फ्रेड हिचकॉक और शर्लॉक होम्स और उस तरह की इंटेलिजेंट स्पेस में है जहाँ पे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये है। और अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि लूज एंड्स होते हैं, हम फिल्म से हॉल से बाहर निकलते हैं और हमें लगता है कि उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ। इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है। मनीष ने जिस तरह से कहानी लिखी है ऐसा लगता है कि एंड से बैकवर्ड वर्क किया है, क्योंकि कोई लूज एंड नहीं है। एंड यू आर लेफ्ट टर्न्ड, आप घुमा फिरा के आपके दिमाग को आपको हॉल से बाहर आ पाएंगे एंड यू विल बी लाइक स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। मनीष, आप अगर सम अप करना चाहें आपकी जर्नी जैसे रही और अब तो फिल्म रिलीज हुई है तो पॉजिटिव बात ही करते हैं कि अब आपको क्या अपेक्षा है ऑडियंस से और कैसा करेगी? मैं तो बस शुक्रगुजार हूँ कि फिल्म रिलीज हो रही है आखिरकार। मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये फिल्म 100 करोड़ या 200 करोड़ का धंधा करेगी। बस थिएटर में आ गई, रिलीज हो गई, मैं इसी का शुक्र मना रहा हूँ। दुनिया भर के लेटेस्ट वायरल वीडियोस सिर्फ इंटरनेट पर नहीं, अब होंगे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी। साथ ही इंटरनेट